कौन करके बोल नहीं पा रहे हम। हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो मैं सुबह सुबह उठ गया, बहुत सुबह इधर आके क्या हो गया, बहुत सुबह उठता हूँ, नहा भी लेता हूँ, घर में रहने से उठता हूँ 9 बजे, और फिर नहाना तो कब का होता है पता नहीं, मतलब बहुत देर से होता है। तो इधर आके अच्छी बात यह हुआ कि जल्दी से उठता हूँ और फिर नहा रहता हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ सूजी लेने, वैसे लेट करके सोया था, 12 बजे सोया था, फिर भी उठ गया जल्दी से। सुबह सुबह उठने का फायदा यह है कि गर्मी नहीं रहता इधर, नहीं तो बाद में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है, मतलब धूप बहुत ज़्यादा देता है इधर। तो सूजी तो ले लिया, वैसे इधर रहने से मतलब धूल मिट्टी लगने से बाल वाला बहुत ज़्यादा हार्ड, मतलब ऐसे मतलब उठता नहीं है, सिल्की नहीं रहता। तो घर में रह के बहुत ज़्यादा बोर हो गया, आज कुछ नहीं है करने के लिए। और इधर मावी सुखा रहे है गेहूं, गम 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 मारो गम, गेहूं 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 गेहूं। तो हम जाएंगे ट्रेन के टिकट काटने, हम लोग जाएंगे 20 तारीख को, तो उसका ही टिकट काटने जाएंगे अभी। टिकट ना बचना तुम यदि मेरे वजह से टिकट ना मिला तो क्या चल रहा अपना, अपने रेगिस्तान में जो खेत उगा है वो भी काट देंगे। वैसे आज बहुत ज्यादा धूप है, ऐसे चलने से हम लोग तो पिघल जाएंगे, बहुत ही ज्यादा धूप है, बहुत ज्यादा। तो इधर से बाइक लेके जाएंगे हम लोग, इतना ज्यादा गर्मी था, चल के आए थोड़ी दूर, मतलब थोड़ा ही दूर चल के आए, 100 मीटर चल के आए, उसमें ही सर वाला बहुत ज्यादा गर्म, मतलब गर्म हो गया, और ज्यादा 1 किलोमीटर चलने से ना बाल जल जाएंगे, सर वाला पिघल जाएगा। तो अभी पैदल तो नहीं जाएंगे, वैसे भी बहुत ज्यादा दूर है स्टेशन, क्या स्टेशन नहीं बता, याद नहीं। तो वहां पे जाके टिकट काटेंगे, बाइक से जाएंगे, बाइक अभी पता चल रहा है बिहार में इतनी गर्मी है, वैसे नॉर्मली आसाम के जैसा लग रहा था, 3 दिन से बारिश दे रहा था, तो आसाम के जैसा लग रहा था कि बारिश देता है, लेकिन अभी पता चला इतना ज्यादा गर्मी है। और एक बार गर्मी देने से मतलब धूप निकलने से, और धूप निकलता ही रहता है, बारिश नहीं होगा बहुत दिनों से, ऐसा टाइप होता है। तो थोड़ी देर बाद ही निकलेंगे, और मेरा ऑर्डर आया है अमेजोन फ्लिपकार्ट से, मैं इंसान ही नहीं हूँ आसाम में, तो उधर ही आया है, मतलब मैं तो ले नहीं सकता, कोई और लेगा, मुझे पूछते हैं आप किधर है, मैं बताता हूँ मैं बिहार में हूँ, तो बिहार में कैसे दे आके, लेकिन बाद में बताता हूँ कि कोई है उधर लेने जाएंगे। ललित भाई का घर है ये, मतलब जीजा जी के दोस्त का घर है ये है FZ का चाबी लेने आया हूँ मैं, ये लेके जाएंगे। तो हो गया रेडी हम लोग, अभी जाएंगे स्टेशन पे, बाद में काटेंगे ना, मुझे रास्ता ही नहीं पता, मैं चलाऊंगा कैसे। तो हम अभी है उजियारपुर स्टेशन पे, टिकट काटने के लिए आए थे, हो गया फॉर्म फिलअप कर दिया, अभी काट के जाएंगे, फिर हम लोग का ट्रेन है 20 तारीख को, और ये है स्टेशन उजियारपुर स्टेशन। तो हम 3 लोग आए थे, काजुलदा, मैं और जीजू, और अब फोटो खींचेंगे थोड़ा सा, बाद में जाएंगे घर पे। जब लोगों के पास काम नहीं होता वो लोग ऐसे ही स्टेशन पे घूमने आते हैं, जैसे हम 7 दिन रुकेंगे, कुछ काम नहीं होगा, ऐसे स्टेशन पे घूमेंगे, खेतों में जाएंगे, लोग जाते हैं सुबह सुबह खेतों में कुछ काम करने, तो घूमना हो गया, अभी हम लोग जाएंगे शायद, बहुत ज़्यादा धूप है, ऐसे मेरे चेहरे पे ही पड़ता है धूप, इसके वजह से मेरा आँख ही नहीं खुलता धूप की तरफ। ये बाजार भी बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत ज़्यादा मतलब कचरा, मतलब पानी जमा होने से बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है। ये है ओरिजिनल लिट्टी चोखा, ये है लिट्टी, ये बोले ओरिजिनल है, काजुलदा देख के आ गए। तो इधर बहुत ही रिस्क में रखा है इधर, क्योंकि वीडियो बनाना इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो इधर रख के टेस्ट करेंगे कैसा है। अच्छा ही है। तो हो गया लिट्टी चोखा भी खा लिया, असली वाला, असली दुकान से असली वाला लिट्टी चोखा भी खा लिया, अभी सब कुछ हो गया, जिसको खाने का सबसे बड़ा मन था ये थे, ये ढूंढ ढूंढ के निकाल के लाए ये दुकान। तो अभी हम लोग खाएंगे छत्तू, ये था जिंदगी में कभी टेस्ट किया नहीं था, तो आज ही करेंगे। इधर सब कुछ ठीक है, बस रोड वाला ज़्यादा ही कचरा हो गया। अच्छा ही है, सब कुछ खा ही लिया आज, अभी मीठा पान भी बनाएंगे। ये है मीठा पान, टेस्ट क्या लगता है, पान का टेस्ट कैसा आता है, कभी खाइएगा मत, अभी हाफ पैंट देखेंगे पान खाके, मुझे पान नहीं,
बिहार का राजा हो गए। पान खा के अभी हम लोग हस्बैंड देखेंगे शॉर्ट, क्योंकि हस्बैंड लेके आए नहीं थे। इधर आ गए हम लोग इस दुकान पे, कपड़े के दुकान पे। पान खा के बोल नहीं पा रहे हम। तो हमने ले लिया ये कपड़ा, भैया से मोल भाव कर रहे थे, भैया हमें डिस्काउंट ही नहीं दे रहे थे, अभी डिस्काउंट भी नहीं दे रहे, ऐसे ही लेके जाएंगे। ये क्या सोने का बना है क्या ऊपर वाला? चांदी का ऐसा ही दिख रहा है, चांदी जैसा। तो हो गया सब कुछ, अभी जाएंगे घर। बाइक तो रेडी है ही, स्टेशन तो इधर है। हम लोग बाजार घूमे थे इधर अंदर, अभी जाते हैं। तो बाजार से कब का आ गए थे, तो कब का आ गए थे इसलिए मतलब जल्दी से आ गए, क्योंकि ताऊ का तबीयत खराब था, जीजू के पापा का थोड़ा सा बुखार हुआ था, तो आ गए जल्दी से। और इसके बाद अभी तो है इधर ही। तो गम सूखने दिया था, गम गेहूं सूखने दिया था, गेहूं उठाएंगे गेहूं। हम लोग के इधर तो डायरेक्ट क्या करते है, आटा ही लाते हैं। ये तो गेहूं इधर सूखा के ये पीस के, ये घर का पूरा घर का लोकल, कुछ मिलावट नहीं, कुछ भी मिलावट नहीं, एकदम प्योर। ऐसे कच्चे कच्चे खाते क्या? कच्चे कच्चे थोड़ी खाते हैं, प्योर है, साफ सुथरा। ये उठाते हैं अभी। तो मैं थोड़ा टहलने निकला हूँ बच्चों के साथ। हिमांशु अपने स्कूल दिखाएंगे अभी मुझे। तो किधर किधर से घूम के बच्चों के साथ इधर आ गया मैं, इधर जंगल। ये रहे बच्चे, उनके सच्चे फोटो में ले रहे हैं तुम दोनों को। तो थोड़ा सा इधर ही घूम के मंदिर में घूम के फिर जाएंगे। पीछे मुर्गी का फार्म है और इसमें भी है बहुत गंदा, मतलब चारों तरफ हरियाली हरियाली, इधर पूरा हरियाली, शांत माहौल वाला, पूरा शांत, आके मजा आता है पूरा, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं ऐसे ही बनियान में आ गया, क्या कर रहा था मैं, वैसे ही गर्मी, ऐसी गर्मी लग रहा था, मैं बनियान में ही था तो क्या ही पहनूं, आ गया मैं सीधा इधर। ये तो पीपल का पेड़ ही है, दिख रहा था पहले भी। यो बहुत ऊंचा है, किधर भागू? तुम लोग का क्या खेल है? खेलो, रुको रुको, इतना जोर से मत खेलो, मशीन हो तुम। ये कौन सा खेल है, ये कौन सा खेल है? गोल गोल नाच रहे हो तुम लोग, नाचो। तो हम लोग का खेल खत्म, मेरा तो खेल खत्म। ये दोनों खेलेगी, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। तो हो गया बहुत घूम लिया, अभी हम लोग जाएंगे। झिंगूर का आवाज भी आ रहा है बैकग्राउंड में, और इन लोगों की इसकी नानी ढूंढ रही है, ढूंढ ना। तो इधर आके मैं मास्टर भी बन गया, क्योंकि इन लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी क्या ही करे, अभी कुछ करने के लिए नहीं है, तो मास्टर बनना बहुत बेटर है।